महफिल के तमाम भी इसको फसाने के लिए किया गया है। देख ले ये एक कैरेट है जो आगे लटक रही है। देख ले अगली गाड़ी फिर आगे 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 देखते आगे आगे अच्छा जी अपना पाकविल की अफतारी स्टार्ट हो गई है। सुनील साहब का साथ जो है हम मंगनी भी करा रहे हैं। सुनील साहब के लिए क्या आप सर शुभकामनाएं दे रहे हैं? बेस्ट विशेस है सुनील साहब और उनकी पूरी टीम के लिए और फरहान साहब के लिए नहीं है मुझे नहीं बुलाया नहीं सर। रजा साहब और मुझे जो है ना इन्होंने कटा दिया है। कोई बात नहीं सर ये हमें किसी और कोटे में बुला सकते थे इन्फ्लुएंसर ना भी समझते। तो सर बताएं फिर क्या पीछे में बता दो दें आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। शादी का फंक्शन है सारा कुछ पूरा है। रमजान में शादी नहीं हो सकती? अच्छा होती है वैसे मैंने तो नहीं देखा यार। दो साल के हर दिन शादी हो सकती है पता नहीं आपको किसने कह दी है। सिर्फ दो तीन लवाजमात है। दूल्हा जरूरी है दुल्हन जरूरी है। इस पूरी अरेंजमेंट में हर कुछ है। बारात है गाड़ियाँ हैं बत्तियां हैं ढोल है मरासी है लड़की नहीं है लड़की नहीं है अब वो ढूंढ रहे हैं उसकी तलाश जारी है। अगर आपको मिले तो बताइए जल्दी। आप गैरी टूर ना कराने में बता रहे हो इस वीडियो में। चलिए जी सबसे पहले आपको गैरी टूर कराते हैं सुनील साहब का। ये इनकी टेस्ला मॉडल एस है और सारी गाड़ियाँ कोशिश कर रहे हैं छुपा लें। 85D ये टाइकान है इनके पास भी एक ब्लैक एक वाइट है। ब्लैक भेज दी थी अब ये वाइट है। इसके अलावा ये मर्सिडीज एस क्लास है 2007 मॉडल है आई थिंक और 2007 मॉडल है। पीछे क्या है? वो है वो भी मर्सिडीज है। कौन सी मर्सिडीज? एसएल नहीं क्या है सीएलके सीएल सीएलके तो उधर मुझे पता नहीं है सीएलके और एसएल की गाड़ियां वर्कशॉप में। थैंक्स टू यू थैंक्स टू अली आप लोगों ने बुझाई उस दिन। वो मुझे एक और भी मैंने कल ली एक फेवरेट ली है कल। क्या कौन सी वैसे तो नहीं बता दूंगा। और वो RX-7 के ऊपर कपड़ा दे दो वो ऐसे ही खड़ी हुई है। बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो छुपी हुई हैं हिडन जेम्स है। हिडन जेम्स है और एक तो फौत हो गई है RAP लिखा हुआ उसके सामने वो कौन सी है? G-Wagon है। सबसे मजेदार रिएक्शन होगा सहीफा का वो मैं बहुत वेट कर रहा हूँ कि सुनील भाई शादी मैं कह लड़की का है सारा आपने दिखावे के लिए किया हुआ है। मेरा तो आइडिया ही नहीं था इसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना था ना आपने वहाँ पे बैठना वो आपके लिए बनवाया डोंट सर ये जरा बता दें जरा जल्दी से गैराज टूर कर दें जल्दी गैराज ये गैराज टूर हो गया आइए जरा हमारे गेस्ट आ गए आपके आपके डर से मैंने सबको पर्दे में डाल सर गेस्ट आ रहे हैं ये देखिए खोल लेना बड़ा गेट खोल छोटा गेट खुला बाहर जगह वैसे कहाँ पे गाड़ी खड़ी करने लोग देखो टाइम पे आने का फायदा है जो टाइम पे आएगा उसकी गाड़ी पहले खड़ी हो जाएगी जो नहीं आएगा उसकी बंद हो जाएगी। क्या हाल है भट्टा ठीक ठाक है आप? ये कौन सी गाड़ी है? ये BMW 3 सीरीज होंडा सिविक है जी। 4E Kangoo एक मतलब एक फैजान एक 4E Kangoo की और ये बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम कौन तंग कर रहा है मुझे? क्या हाल है जी? फैंस है आ जाओ जी अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बिग फैंस है सेल्फी ले सकते हैं यार वो देख डैमेज हुआ आपको पता चले सामने पर यार पता बम्पर असल में ना पूरा ही खराब होने वाला है ये आपने इसलिए आपको मान लिया था कोई बात जो वो पत्थर लगी उधर है इधर मेरे दिल में दर्द मैं हॉर्न पे हाथ रख दिया मैंने कहा यार वो देखिए वो सामने पत्ते नजर आ रहे हैं वो अंदर होगा मैं बिल्कुल ठीक आ जाए कहाँ बैठू ये तो इकरा है मैं इकरा नहीं इधर ही है मैं BBN भाई की साइड पे पहुंच गया। कोई नहीं BBN को इधर कर देते हैं इसमें क्या मसला है जो है वो 5 बॉयज आ रहे हैं श्याम समी अली और जो वलीद और ताहा उनको देखता हूँ जी जी। वालेकुम सलाम सर किधर पहुँचे? जैनित को कर लिए बिलाल राशिद को कर लिए बस्ती की रानी है। हेलो सर ओ सुनील भाई के उधर घर रफ्तारी हाँ जी ये कौन है सर जी पहुँचे नहीं वो उसे पता है बिलाल को तो ये रॉकी आ रहा है नहीं ये अपना सरप्राइज बंदा है सागा से रॉकी
हमने अरेंजमेंट भी ऐसे किया हुआ है। ये कौन सी गाड़ी ली है? ये सागर भेज दी। सागर ये बेहतरीन काम किया इधर लगा लो कोने बेहतरीन गाड़ी का फ्रंट पे पार्क कर लो फ्रंट पे ही कर लेना 1000 सीसी टर्बो टर्बो ये देखिए नील साहब ने जो है आपके लिए आपकी गाड़ी भी हमने यहाँ जो है ना प्रॉपर नहीं हमने सर ये इनकी गाड़ी है कुछ पे बुरका डला हुआ है और एक फौत हो गई है वो देखिए फौत हो गई है लेकिन ये देखो ओ जी वैगन लेकिन ये है कि सिंस मतलब 70 से या 80 से वही शैसी पे गाड़ी आ गई है। ये उसी तरह जी वैगन है वो जिस तरह तंदे में लड़के शादी के लिए कह रहे थे नमस्ते चली जाइए वो सुनील साहब कह रहे हैं नई बॉडी रखवा देंगे। हां हां हो जाएगी चेसी वही है ऊपर बॉडी गेम तो वही है ना। हां चेसी वही है रिश्तों के भी रंग बदलते क्या हाल है भाई सुने आपने नेक काम किया है जो मैंने मशवरा दिया इसको शादी बाद मगरिब आपने अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप बैठे अस्सलाम वालेकुम अगले महीने इंशाल्लाह गुड वेट गेन किया आसान है क्या हाल गुड वेट गेन किया नहीं बस अभी अगले महीने तो यार भी करने वाला काम करो बाकी क्या क्या है आप गेस करें साइज कैसा गैस मारा है मैंने दो को साल बड़ा है मेरे से दो को साल बड़ा है मेरे से मेरे दाने गिर गए नहीं नहीं मैं मेरी बेटी कहती है ना आपकी एज मैं कहता बेटा गूगल कर उसमें गलत आती है तो कहती है नहीं वाई गूगल मैं दुनिया की हर चीज़ गूगल कर दी है भी कर ले गूगल वो से मेरी मान लेनी यार 27 साल की उम्र में आप शादी क्यों कर मैं 27.5 गुजर गई 27.5 बंदा करे 21 बाई की या फिर 40 के बाद चले बाली को देखें मैं क्यों याद आता हूँ इस बात को यही नहीं समझ आती बेहतरीन आदमी है नहीं कर रहा अच्छा कर रहा है अरगान ने भी 40 की बात की वो ज़्यादा होता है यार बता 21 में करे वो 40 में देखिए मैं कह तू जाएगा पेरेंट टीचर मीटिंग में उन्होंने कहा बेटा दादा बुक रही है बुक लेकर लेकिन इसको मैंने मशवरा बिल्कुल ठीक क्या पता है नहीं वीडियो एडिटर ने क्या किया क्या किया सुनील भाई का पूरा मशवरा मेरे फाइनल क्लिप में है यार फाइनल क्लिप में डाल मैं कहता हूँ इसको वायरल कर दे दुनिया को बता ये बात मैं इसमें कायम हूँ मंगनी होती टूटने के लिए ये टेस्ट ड्राइव है अगली भी मेरे से करा ले रैकी अगली पे डिस्काउंट देंगे अगली पे डिस्काउंट यार पैकेज निकाल दे तीन मंगनियों का पैकेज तो जी ये हमारा बड़ा एलैबोरेट किस्म का मेन्यू है पहले इफ्तारी है उसके बाद फिंगर फिश है सीजर सैलेड है वॉलड्रॉफ सैलेड है मलाई बोटी है बीफ गिलाफी कबाब ये सारा हमारा पाकिस्तानी स्पेशल लगा हुआ है मटन कढ़ाई है मुर्ग मुसल्लम बिरयानी पालक पनीर भी हमने वेजिटेरियन भी रखा है खाना तो ये अभी तैयार कर रहे हैं खरगोश भी है हाँ जी ये खरगोश वो जिंदा है अभी सर ये मुश्तबा साहब हैं फ्रॉम बेस्टन कैफे तो सर क्या क्या है ज़रा बताएं सर स्टफ डेट्स हैं सर ये हमारे दही भल्ले हैं फ्रूट चाट है ये वॉलड्रॉफ सैलड है सीजर सैलड है बाकी ये सॉसेज लग रही है मेंट सॉस और कैचअप कर रही है अच्छा फिश फ्राई हो रही है सर जी अच्छा बाकी इस तरह हमारे समोसे वगैरह हैं वो भी और मेन मेन्यू जो है वो कब आएगा अच्छा ये बाकी ये बीफ कबाब लग रहे हैं सर ये बीफ कबाब रेडी हो रहा है सर और इसका मलाई बोटी है बाकी इंशाल्लाह मेन कोर्स जो है वो डिशेज में लगेंगे वाह चले वो भी अभी देखते हैं जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो बड़ा बेहतरीन सेटअप है टेस्ट भी आई होप के वैसा ही हो इफ्तारी के टाइम पता लगेगा हमारा लाइव सेशन चल रहा है और ये सारा जो है पालक पनीर मटन कढ़ाई चिकन हांडी और मुर्ग मसलम बिरयानी और यहाँ सैलड और यहाँ हमारे जो हैं हमने सारा देसी रखा है शाही खीर है और गुलाब जामुन है बच्चों के लिए बच्चे तो लड़ने बैठे दूर भी और
दो अच्छे वाले और दो बुरे वाले क्या बात किया आपने यार, डायरेक्शन बिछा दे रहे इधर इस तरह। किधर गया वो, किधर बैठने लगे ये उसके लिए। सर अपना अपना नाम तलाश करना है सर वो अच्छा नाम तक लिख दिए सब हो गया, ब्लैक हो गई, मोनोग्राम नहीं हुए अभी, आगे का हो गया, उतार के पेंट हो जाएगा। उस पे स्टिकर बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो डर रहा था, कहता ये ना वो काट के आगे का उससे बड़ा साफ। इसमें भाई बैठ जाते ना, मैं सही था, मैं उतरवा लेता हूं ना उसको, मोनोग्राम उतार के फिर रैप कर देता। अब खूबसूरत लग रही होगी ना वो, ग्रोम फ्रोम हट के बेहतरीन लग रही है। अरे क्या हाल है, मैंने ये एक बल्कि तोहफा लिया कल और। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी बर्थडे नहीं है यार, कुड़ी लग रही है। मैं तो मैंने इतनी तैयारी देखी, मैं कह फरा था कुड़ी लगो होना तो होना। अस्सलाम वालेकुम सारे भाई, गुड टू सी यू, लॉन्ग टाइम मैन, लॉन्ग टाइम। क्या कर रहे हैं आप, सर इनको पहचानते हैं? अस्सलाम वालेकुम, हेलो बॉय, किधर होते हैं आजकल आप? नहीं तैयारी कैसे लगी जो हमने इसको क्रोम से ब्लैक किया वो बताएं, ये इनकी डिजाइनिंग नहीं है? क्रिया वो कह रहे हैं वो सुनवाई की नहीं अच्छी लग रही है, प्योर ब्लैक जो आप लोगों ने करवाया। और पिछली वाली गाड़ी और उसका कंपैरिजन करेंगे ड्राइव में या वैसे लुक देखने वाइज? देखने वाइज तो सुनील भाई ये वाली सभी अच्छी जा रही है, ज्यादा मॉडर्न है ना, आगे मॉडर्न है। इंटीरियर कलर बड़ा सुनील भाई ने कह दिया तो तापिश ने वो कर लिया। हां मैंने पूछा भी नहीं। ये भी खाना है ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ, ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਸੋਚ ਰਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋਚ ਹੀ ਰਹਾ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਬਦਲਨੇ ਆ ਬਤਾਏ, ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੇ ਲੀਜੇ, ਕਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨੇ मैंने रमजान किया क्या क्या किया बस मेरे टायरों की हालत ढाई लाख से ऊपर के तो वही ना, मतलब यही है। ऑटो शो पे परफॉर्म किया था? हाँ मैंने परफॉर्म किया। जिस ऑटो शो पे आप आए थे? मैं कहाँ आया? हमारा बड़ा प्लान था जाने का, आप आए नहीं थे। आप कहीं गए? डिले हो गया। आप कहीं गए? पहले जो हो रहा था वो डिले हो गया था, फिर मैं चला गया। आप सल्तनत कनाडा में गए? बड़ा ज़बरदस्त शो हुआ था। जो मेरा बेटा है वो, उसको हम कहते हैं घर में तूने सुनील मंच बनना, वो लिटरली स्पीकर पर उसको बोला गया था पार्क व्हील खोल के गाड़ियाँ देख रहा था गाड़ियों को। हमारे घर में ना यूट्यूब बंद है, तो उस दिन आके मुझसे कहते हैं मुझे एक यूट्यूब वीडियो देखनी है। मैंने कहा यूट्यूब तुम नहीं देखोगे मेरा बेटा? मैंने कहा मामा वो सुनील मंच की वीडियो, वो गाड़ी की वीडियो, वो देखने दिया मुझे, देखने दिया। सुन भाई आधे लोग अफ्तारी के बाद आते हैं, हो गई नहीं खुला अभी मैदान होगी अभी मैं रस्ते में सिर्फ लेट हुआ, सोया हुआ था, गोरे गोरे हो गए, सोता रहा है, धूप से निकले गए। आपका क्या हाल है? बड़े अच्छे तुम गायब उस दिन शूटिंग से नजर आए, बस तारी दे प्लान दी एडिटिंग आप और इकरार भाई ने मिलकर उसके बाद मुझे जब ऑर्डर लगाएंगे मैं आई एम जस्ट वन कॉल अवे। बैठे ना रोला तो खोले मैं ना रोला खोल रहा था। किधर बैठे अलीजा? इनकी क्या है सोच ही देते हैं खाते हुए तो नहीं बने डाले। इन बिटवीन यार आयशा दुबई में, वो आज आ रही है वापस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कितने को जानमाज काफी होंगे? सुनील भाई आपकी मामा तो नहीं पढ़ूंगा मैं, अमनान भाई करेंगे, इनको मैं जानता हूँ, ये नमाजी आदमी ही करेंगे। तीन हो चुके, चौथे हज पे मैं जा रहा हूँ 2 महीने बाद, जिससे तुम भागे हो। वो तो 7 बजे खाना लगा ना, 7:30 से 8 के साथ
ये कंसल्ट इधर से करें बड़े भाई खाना जो है सब साथ लगवा मैं चादर लेके आ रहा हूं मैं दूल्हे का बड़ा भाई मैं आपसे पूछ रहा था इसलिए सब साथ 7 ठीक है 7 बजे लगा मैं वो राणा आ गया राणा ट्रांसफर बिठाएं जरा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सिर्फ चादर लेके आ अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आज ये राणा बुला रहा है वो आपकी साथ वो है खाते हुए रिकॉर्ड हो रहे नहीं क्या सीन है यहाँ डॉक्टर डॉक्टर बजा ले ये आपने आपको बताया उन्होंने कि इफ्तारी हो रही है यहाँ पे महफिले में ला रहे हैं वो देख सुनिए सुनील भाई व्यूज के लिए कुछ भी करेंगे क्या हो रहा है मतलब ये उन्होंने ही कहाँ है सारे बॉलीवुड ये देखेंगे आगे सुनील आपका नेम टैग हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप जी यार बस कर दो आई थिंक आई एम ओ हां दावेश भाई हाउ आर यू गुड हाउ आर यू आई एम गुड हाय भाई यार बंद करो ये क्या है जी अल्लाह हू अकबर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह इसलिए की थी कि सुनील साहब की टेस्ला और टाइकन खरीद दी ताकि आप कोई इसमें से ले लें दकी नहीं खरीदनी पहले डीकॉन खरीदे आधे में पैसे मैं भी गाड़ियों का ही सोचती भी आ रही थी मेरा डाला मैंने अंदाजा लगाया कि इतनी फिट गाड़ी नहीं है वो आज मैंने थोड़ी सी उसको भगाया और थोड़ा राइट लेफ्ट किया तो ऑफ ही सीन लगा है मुझे आ रही थी मुझे मैं तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर ली थी लेकिन लाइक ओके सेम ही है ना अपनी उससे ऑडी से पहले नहीं नहीं ऑडी से पहले तो मेरे पास सिविक थी बस हाँ ये मैंने ऑडी से बाद ली थी बट लाइक वो आई एम नॉट लाइक सुपर प्राउड ऑफ माय डिसीजन बट ठीक है आई थिंक इट ग्रोज ऑन यू ऐसा ऐसा आपको अच्छी लगने लग जाएगी और मुझे लगता है सब गाड़ियों का यही है आपको थोड़ा टाइम लगता है उसके बाद आपको अच्छी लगने लगती है व्हेनेवर कैसे हैं आप सही हैं तुम ले लो सब कुछ रिकॉर्ड करो कंटेंट क्रिएटर हैं हमारे ये आ रही है समझ मुझे सारी जो मैंने ग्रुप में डिस्कशन की थी वही है मैं वो ये यहाँ से जाता तो वो वहाँ से पकड़ लेता मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है क्या आजकल गाड़ी कौन सी चल रही है आप बेचते रहते हैं विदा मैंने देखी थी मार्केट के साथ लास्ट की थी हाँ जी उसके बाद कौन सी गाड़ी एक शॉपर है बड़े मशहूर आजकल और 80 आ रही है नहीं शॉपर की है कौन सी गाड़ी है सिविक एक्स अच्छा ले आपने उसका नाम बिगाड़ ही दिया क्या आपको लगता है शॉपर है मुझे तो नहीं लगता मुझे तो सही लगती है मतलब कि अगर एज कम्पेयर टू टोयोटा करोला जो है वो ज़्यादा स्टेबल मुझे तो फील होती है ड्राइवर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ड्राइवर लेकिन, है, लेकिन वैसे वो उसकी क्वालिटी वाइज मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ी सी हाँ क्वालिटी वाइज जो आई थिंक जो नई जनरेशन आती है वो ज़्यादा ही मतलब ऑब्वियसली वो शायद वेट रिडक्शन के लिए होता है और ओवरऑल आई थिंक उसकी असेंबली भी उतनी अच्छी है ऐसी ना तो अभी उसको क्या कराया आपने अभी कुछ भी नहीं करवाया सिर्फ साफ सुथरा करवा के भेज देंगे कोई और अच्छी चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ देंगे अच्छा या फिर सिविक हो तो मैं एक बात कहता हूँ कल के ब्लॉग में मैंने की थी कि सिविक हो तो आपकी गाड़ी जो भी आप कलर करा ले आपकी नाडो ही मशहूर रहनी है ऐसी अगली गाड़ी इंशाल्लाह लेंगे और उस पे भी नाडो ही होगा सबसे पहले अच्छा अभी नाडो ही कलर है नहीं नहीं अभी चेंज कर दिया ना लेकिन वो मशहूर नाडो ही है गाड़ी है लेनी है कौन सी यार आप जरा कर दें थोड़ा सा नहीं अच्छा कौन सी वाली वो जो गोल्ड गोल्डन है जो टैंक W140 सही है वो बात करते हैं वो ऐसे बड़ी अजीज है उनकी
तो महंगी भेजेंगे। किसने मेरी गाड़ी की ऑफर दी और कौन सी गाड़ी की ऑफर दी? कौन दे रहा है सर? टैंक टैंक नॉट फॉर सेल प्लीज। वो आजकल तो मेरा दोस्त लेके गया है, अभी उसका मैसेज आया कि मैंने उसकी फलानी फलानी चीज़ बहुत टैंक नहीं भेजनी तो सर दे दे, उसका तो ऐड भी लगाया है, वो दे दे मुझे सिविक एक्स शॉपर एक्सचेंज पाचा मारते हैं दोनों भाई। सर फलाने इमरान भाई ने ऐड लगाया सर, सर अभी एक दोस्त मांग के लेके गया है, वो कश्मीर गया है, बस आ जाएगा 8 तारीख मेरे हाथ कर दे सर, प्यार करते हैं टोकन पकड़े सर अभी उन्होंने कह दिया टोकन क्या पकड़ने बहुत वो अपना कह रहा टैंक वाला टैंक टैंक तो नहीं भेज रहा टैंक तो दो है मेरे को एक V12 है टू ये उधर खड़ा है अभी दिखाता हूँ आपको एक V12 वो बड़ी नया चीज है जो V12 प्रधानमंत्री सर टैंक दे दें सर पासवर्ड मांग रहा है कैसे क्लिक करना वो क्लिक होता है बॉस एक सेकंड जरा ये मैं लग रहा हूँ जरा पागल हूँ लेकिन गाइस ये सब कुछ इधर है वो इधर आ गई स्क्रीन इधर आ कैसे करें इसको अपनी दो ऐसे दीदी क्या क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा पासवर्ड कैसे लिखाना ये तो पासवर्ड टैप करें टैप 7 5 7 5 2 7 7 5 एक और है क्या हुई ये पासवर्ड में नहीं था ये जो बहुत पासवर्ड उनका पासवर्ड ही लग रहा है बस पासवर्ड तो बताइए ना 75275 अबे 7586 किधर गया है एक सेकंड उसका कीबोर्ड हो गया सर गलत जी भाई तू पासवर्ड ही लगा रहा था ये वो ब्लैक मिरर की आप खड़े हैं ब्लैक मिरर की एपिसोड लग रही है एक सेकंड क्या कर रहा है अब बताएं पासवर्ड 7 5 8 6 6 7 5 5 आपने सिर्फ अफतारी इसलिए किया ना टाइकन और आपकी फैसला बिक जाए फॉर सेल वाली गाड़ी तो इधर खड़ी नहीं यूट्यूबर से खरीद सकते हैं जो बात मैं ही कह रहा कपड़ा उतारी है गाड़िया यासिर भाई आपने कौन सी आजकल गाड़ी रखी हुई यार वो मैंने इनसे ही चेक करवाई थी वो मर्सिडीज C200 ले ली और A5 क्या की A5 सुमैर को भेज दी सुमैर से ही बोली अच्छा तो मैंने दे दी थी जो मैंने उसे कहा था आप जितने की मर्जी भेज रहे हैं आप मुझे उसमें कंसेशन दे उसने मुझे वो दी है 325 और वो कितने के लिए वो उसको मैंने कहा आप जितने की मर्जी भेज रहे उसने जो मुझे दिया वो 165 थी इसमें टमाटो है ओनियन है ये इसकी इंशाल्लाह पसंद है ये शाही खीर है सब हमने देसी रखा है देखे वाला और साथ जी है गुलाब जामुन क्या बात गुलाब जामुन रोटी खुल गई आ जाए हमजा खुल गया आ जाए खाना खुल गया रोटी खुल गई और टेस्टिमोनियल्स लिखे आ जाए खाना खुल गया रोटी फेवरेट अनाउंसमेंट रोटी खोली सर आ जाओ सर मौका आ गया सर रोटी खोली फिर मैंने बच्चे गए हुए थे फिर मैं वलीद ले आया कट कर ये
कहा कि हमारा जो टारगेट है नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ है ये सईफा जबार खटक और आज हम मेन्यू बताते हैं क्या है, शुरू करें आपके साथ। अब सही जो है आपके साथ को-होस्ट जो है अली भाई आ जाएंगे ना, ये फूड फूड एक्सपर्ट है जी बिल्कुल, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। अभी अभी अली भाई से दोस्ती करके सही फूड खटक मैं अली भाई की टीम में मैसेज कंटेंट आएगा उसका लिंक आएगा। नहीं कह रहे ना, समझ गई मैं। आपने कहा था मैं, आपने मुझे बचा लिया, मैं चुंगल में आने लगा था। आपने नहीं आना, ये लड़का जो सर आजकल कौन सी सबसे अच्छी जगह चल रही है खाने में अवतार के लिए? शुक्र तो सही जितो मुफ्त मिल जाए। नहीं आजकल बड़ी जगह यार, डिपेंड्स आपने क्या खाना है सर। 3,000 के बजट में क्या अवतार है कोई है? खामोशी। और 4,000 के बजट में वो है ऑप्शंस काफी। और सबसे अच्छी आपको टॉप 3 है? मैं नाम ले सकता हूँ? हाँ ले यार। नॉइस स्टर फ्राई का बुफे वो किधर है यार? वो DH गुलबर्ग में है। और वो देसी हाँ बाकी देखिए ना, हम बिरयानी अभी कबाब थे शिट मेरी यही वाली प्लेट, अगर तुम लोग ले लो ना तो मैं सिर्फ फिर प्रोटीन पे अब लेने ले लें सर। पूरा नहीं चाहिए? नहीं नहीं सब कुछ थोड़ा थोड़ा एक एक मैं एक बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। लाइव रोटी अच्छी है, पालक पनीर एक एक करके ना। नहीं नहीं एक ही ये बढ़ गया है खाना। नहीं ये भी अच्छा है। नहीं बस काफी ये अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा है। व्हाट इज दैट? मैंने ले लिया है दिस कबाब राइट। और भी और ना बस बाली जा रहे हैं आप, वैसे ही हो जाए। हां बाली पहले ही बड़ा जिंदगी में कष्ट चल रहा है यार। मुझे ये दें, ये बीफ गिलाफी कबाब है, मैंने खुद पहली दफा सुना है। अच्छा जी गिलाफ तो है नहीं इसके ऊपर। आपके पास वो BMW 3 सीरीज है या चेंज कर कोई है? अभी वही है, अभी वही चल रही है। मेरे पास RX 8 भी थी। हाँ मेरी ये थोड़े उड़ा ले ना, ये मैंने वो कैसी चल रही है वो मैंने 2 इंजन उड़ा के बेच दी। अच्छा मुझे ड्रिफ्टिंग का शौक पड़ गया। अच्छा बाकी ड्रिफ्टिंग करते थे इसलिए तो उड़ा दिया था, इसलिए तो इंजन उड़ा दिया। हाँ अभी चलाए गए हैं, अभी तो सिर्फ काम हो रहा है उस पर। क्या काम हो रहे हैं? उसको उसको ऑल ब्लैक कराया है, मैटिंग शेटिंग कराई है और अब चलेगी कहीं। मेरे साथ बहुत लोग इतराज़ कर रहे थे कि आपको नजायज़ फ़ायदा मिला है सेलिब्रिटी होने का, आपको वो मिला है उसकी स्टेपनी मिली है जो किसी को? हाँ मिली है, अभी आई कहाँ हो? अच्छा नहीं मिली वो, मुझे कोई बंदा कह रहा था कि आपको स्टेपनी मिली कि ये क्या हमें नहीं मिली जो उसके अंदर नहीं है। भजन में ये तो खुला खाने दो यार। वो उन्होंने थोड़ा सा लिया है बंद कर दे। नहीं 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 मैं खाऊंगा अभी, मैं रात में खाता हूँ। फिर वो लाइव भी ले लेना कबाब शबाब, और वो यार कबाब ही ले लेता। हाँ बीफ गिलाफी कबाब है, बीफ बीफ कराची से बीफ दे दें थोड़ा सा देना। थैंक यू मेरी अच्छा सॉरी ये गलत बात है आपने। थैंक यू। चेक कर रहे हैं आप प्रेजेंटेशन? ओए यार आगे कैमरा के सामने नहीं लूंगी वैसे तो, कैमरे के बगैर ऐसे ना बुरा होगा। ये लो इन्होंने 2-3 महीने मान लिए, 2-3 प्रैंक भी प्लान किए। मैं पहले जारी क्यों है यार, तुम्हें जल्दी किया, अभी तुम आइए सबसे एंड पे, सबसे पहले तुमने जाना है। हमने सबको बुला लिया, मुझे लगा था घर घर वाली है ये। इसमें कौन बाहर का नजर आ रहा है तुम्हें? नाम बताओ बंदे का नाम तो जो बाहर का। मैं इतना ऊंचा नाम नहीं ले सकता। ऊंचा नाम लो, ऊंचे ऊंचे लोग लड़ाई करेंगे तुम्हारे दोस्त अहमद अली बट की। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिया पहले प्लान किया हुआ था देता हूं। मुझे पाक भी नहीं दिया सुनील भाई, ये तीसरी शादी का सेट है। नहीं नहीं सुनील भाई ये ले इधर जाओ, तस्वीर लेनी है क्यों? रिसीविंग ले लेंगे ना अगले से, दबा कर यार तस्वीर छोड़ दो। वाह भाई वाह सुनील भाई थैंक यू। दो सुबह में यही निकलता है जेबों से, फकियां दवाइयां कुछ तावीज तावीज भी है, मैं वो आपके कदमों में तो ऐसे ही होता है
आपको मैं भिजवा दूंगा भाई, आपका नंबर इतनी मुश्किल से मिला एड्रेस, पता नहीं कितनी मुश्किल से मिलेगा। आपका नंबर था मेरे पास, इन दोनों के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वैसे आपस की बात है। नहीं नहीं है, ये शबी है, ये खूबी है, मैं खूबी है शबी, बता इधर, मैंने हाथ रखे पहले यार, रोज हारता हूँ जीतता हूँ, ये मेरे टेबल टेनिस पार्टनर है और पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर सजाद अली भाई के बेटे हैं दोनों, और दोनों बहुत अच्छा गाना गाते हैं। इसको अगर आपने देखा भी होगा बचपन में, सजाद भाई का जो बड़ा मशहूर गाना था उसमें आप ही थे ना, मुझे बजा रहे थे ये पियानो, यही देखा, और ये तो भी खुद गाने गाता है, और गाड़ी वाली लड़की, कौन सा गाना था, गाड़ी वाली लड़की, उसमें मैं और ये दोनों इकट्ठे हैं, मैं उसमें गाड़ी की डिग्गी में था सर, मैं अपनी Z3 की थी, बहुत मैं कहता था मैं Z3 की डिग्गी में मैं था, बाकी कह रहे हैं किडनैप किया था, किडनैप किया था, लेकिन इंशाल्लाह अगले में आएंगे, पूरा आएंगे, पूरे पिंग पोंग चाहिए, खैर मैं इनसे पिंग पोंग हारता हूं रोज, जीतते हैं, इनके बारे में क्या बताऊं, ये सबसे पहले आई हैं, ये सबसे पहले आई हैं, सारा इंतजाम इन्होंने किया, सारा इंतजाम इन्होंने किया, सुबह 4 बजे मैं खिड़की से मैंने देखा तो एक बंदा यहाँ पे लटक रहा था, ऊपर लगे लाइटें लगा रहा था, तो वो ये थी, उसके बाद पता लगा खाने वालों से लड़ाई हो रही है घर के किचन में, खाना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने पूछा मुझसे कि फूड ऑन व्हील्स क्यों नहीं आ रहा है, उसकी वजह ये है कि सुनील भाई बजट भी नहीं दे रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ मुफ्त में कर दो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, तो पैसे चाहिए, शो मी सम मनी राइट, तो इस वजह से नहीं हो रहा। हाँ फरहान साहब क्यों नहीं आ रहा फूड ऑन व्हील्स, क्योंकि दो अति सुंदर लोग हैं जिन्होंने प्लानिंग की थी, एक और दो, रमजान में हम 25 शूट करेंगे, जब से रमजान शुरू हुए दोनों बांधे गए, मैं तो हाजिर थी, मैंने कब कहा है कि मैं नहीं आऊंगी शूट पे, एक दफा बताइए जिसने प्रोड्यूसर जो बोलेगा, जो डायरेक्टर बोलेगा, वही करना, मैंने डिसाइड किया था 2 अप्रैल, क्या 2 अप्रैल कि फूड ऑन व्हील्स की पहली एपिसोड, एक शूट तुम लोगों से हुआ नहीं, 25 शूट करने, 25 नहीं पूरे 30 करने, एक ही करने, चैलेंज है चलो रमजान में एक ही करना, जा रहने दे, आपने गलत लोग हायर किए, मैं गलत लोगों को तनख्वाहों पे रखा हुआ है, लड़का तो आज एमएनए लग रहा है, वो भी उगाड़ा शूट करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करें, ऐसे लग रहा है कि सुनील साहब ने मुझे मालिक रखा हुआ है, सुनील साहब ने मुझे मालिक रखा हुआ है, चेक करें जरा, नहीं नहीं वो कौन सी फिल्म थी, रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ की, जिसमें वो पॉलिटिशियन से राजनीति, राजेश को लग रहा है कि ये राजनीति का ना रणवीर कपूर, राजनीति में भी रणवीर कपूर नहीं, जो सेक्रेटरी था रणवीर कपूर नहीं, रणवीर कपूर आपको देख के रंगीन ही याद आ रहा है, कपूर भी रुके शुक्र आप वो है, वो जो अमिताभ की बच्चन में, अमिताभ की बच्चन, मैं इसी वजह से नहीं आ रही थी, मुझे पता था ये हर तरफ कैमरा जोन, तो ये आपके बंदा जो है वो कैमरा आता है तो आप सही हो जाती है, नहीं इस कैमरा पे भी सही हो भाई, गुड नाइट गुड नाइट सर भाई, थैंक यू बजला, अच्छा सुनने में भी आ रही, बकवास ही करो, मीठा खाओ भी, मैंने नहीं खाना, मैं डाइट पे हूं, इतना दूर जा रहे हैं, कहां जाना है, मैं छोड़ दूंगा, और मेरी गाड़ी पे आई हूं, हां तुम्हारी गाड़ी पे छोड़ के मैं खुद ऊबर पे आ जाऊंगा, और मैं इमरान के साथ वापस आ जाऊंगा, और हाय जाना ना, क्या तुम्हें घर जाने की निकल आया करो, घर से बाहर मिला करो लोगों को, मैं एक सुनील हुई और वेरिएंट हो गया, मंज हो गया, मॉडल गूगल कर लो तो आंदा 1989 ठीक हो गया, नहीं 89 आता है, अच्छा वो छोड़े आपका मीटर रिवर्स तो नहीं, मीटर रिवर्स है लेकिन जेड़ा है ना 2-3 متضاد بیانات جاری ہیں, گوگل پہ کریں گے تو شور ہے, ٹوٹل جنون ٹوٹل زیرو میں میڈ ایز جاپان, سیلے تو نہیں کرا, سیل پوری ہے, سیل تو رکھ دیتے پشاور جانا پڑے گا, ये वो लेग्स के व्हील है, देखिए वो नीचे बैठे हुए थे, कैसे हो गए ये सारे भरे हुए इधर, ये देखो मुझे भी आदत है, सारी गाड़ियों के पीछे रिम टायर के नए सेट भी पड़े, मुझे छोटे उस लेवल पे आदत है, हाँ गैस कार कर ले चले, कपड़े के जिनके ऊपर है उनको गैस करना है, जिनके सारी पहली कर रहे हैं मुश्किल क्या, खोल खोल के देखा है तो फिर नहीं खोले बगैर गैस करके, इधर टायर रिम निकलते हैं मेरी तो गाड़ियों के पीछे भी, अगर तुम देखोगे हमर के पीछे स्टैक लगा होगा, इधर भी सारे टायर उधर लगे रहते हैं, क्योंकि पुराने टायर कभी मेरी जिंदगी में नहीं बेचा, बेचने के 15 तो देते, जो एक टायर तो 15-20 उसके बाद लड़के ऐसे हुए थे, यार मुझे पैक ही करा दे, सब को डब्बा है आपके पास, मैं अभी अंदर भेज रहा हूँ ना बहन करके, फिर आपको पैक कर देती है, आप पहले बताएं था क्या 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 था खाने सर, मुश्तबा भाई दो सैलड्स हैं, सही है, सैलड है, बुलडॉग सैलड है, मुर्ग मसलम बिरयानी है, सही है, चिकन हांडी है, मटन नवाबी कढ़ाई है, पालक पनीर है, नान है, बीफ सीख कबाब है, और नान बड़ा तड़पता हुआ नान लग रहा है, बस फ्रेश लग रहा है, कमाल हो गया, और यहाँ पे क्या बीफ कबाब और मलाई बोटी है, मीठे में जो हमारे पास है, मीठे में जो है मेरी फेवरेट खीर है,
बड़ी अच्छी बन गई। सर इधर, सर इधर इधर पड़ी। ये क्या है, इधर क्या छुपाया? थोड़ी सी डाल के यार, थोड़ी सी बिल्कुल इतनी, बस बस बस। खाना तो आपने सर अभी ट्राई नहीं किया। खाना बाद में खा लेंगे यार, अभी अच्छा ट्राई कर रहा हूँ। चाही खीर बेहतरीन खीर। वाह वाह वाह, कैसा लग रहा है आज हमारी इफ्तारी पे आपको खाना खाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। खीर कैसी है? मजे की। खीर तो नहीं मैं छोड़ सकता, खीर ही छोड़ सकता। अच्छा, खीर कमजोरी है। अच्छा बाकी 300% दिन हमारे घर फ्रिज में बन बहुत मजे, जितनी ठंडी होगी उतनी मजे की। किलोमीटर तो मेरे ख्याल में खा गया। एक चीज़ जिसकी वजह से इंसान पतला नहीं हो सकता वो खीर है, और दूसरी फ्रेंच फ्राइज। हाँ फ्रेंच फ्राइज वाले कसम खुदा की हमारे दफ्तर के नीचे गंदे मिलते हैं। मसाला फ्राइज, गंदी केचप। इनके इनके टेबल पे डेली की एक केचप की बोतल आती है, बड़ा मजा आता है। मैं तो ऑमलेट के साथ भी केचप खाता हूँ। एकदम कैफे लांतों में होता है ना, मैं खाना खाने के शुरू शुरू जब खुला था, फाइन डाइनिंग थी। अब तो खैर पेंडू भी आते हैं मेरे जैसे, तो मैंने केचप लाता यूँ मुझे देते, अरे खाने के साथ केचप कौन खाता है? मैं कहा जो बिल देता है दे तू, तू क्यों पूछ रहे हैं, तू क्यों पूछ रहे? आजकल लगना भी है भाई, इन भाई को हम लोगों ने मिलना है एक साल बाद, और ये ना होए अपना पतले। चले आप सिक्स पैक बना रहे थे ना? बना रहा, अभी थोड़े बहुत निकले। नाइन पे जाके पूरा हो जाएगा। किसी क्या बनाया? क्या तूने क्या कहा था? सिक्स पैक नहीं बनेगा तो क्या होगा? सिक्स पैक नहीं बनेंगे तो PS5 बांटने हैं मैंने। PS5 बांट देगा, मैं भी बांट दूंगा। सर आपने टाइकन खरीदने की बात करनी थी, वो कर लें। पहले देख तो वो ले रहा है, उसने लेनी है। और पहले लोगों ने कहा कि आपने गाड़ी मंगाई इसके लिए, महफिल के तमाम भी इसको फसाने के लिए किया गया है। ये एक कैरेट है जो आगे लटक रही है। देख ले अगली गाड़ी, फिर आजे 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 देखते आजे आजे टाइकन देखते हैं, मजे की गाड़ी है। ये ढूंढते कैसे अगर आपको कोई चाबी अचानक हाथ मारते हैं बीच में से, अर्जेंट मिलती नहीं है। बाकी ठीक है, ये ले चाबी का है, चाबी का है। ओए होए भाई, करोड़ों चाबी में से एक निकाल के इन्होंने दी है, सही वाले निकाल के दी है। दरवाजा बंद करने फ्रांत, रोशनी में आ सकती है। हाँ आगे ले आते हैं, ले आते हैं। बैराम के दर गया, इसकी पिक्चर भेजी थी ना मुझे। हाँ आपने कहा था मैंने लेना, ले लो यार, ये ले लो, खोले। स्टीफन ने मुझे कतर से पिक्चर भेजी इसकी कि ये गाड़ी लेनी है। ये नहीं है, मैंने दोनों गाड़ी रख ली है। हां डन ले जा, ऑन रिकॉर्ड है ये, अभी ऑन रिकॉर्ड है। दोनों गाड़ियां मेरी, ये तुम्हारी। हां डन, पेट्रोल आप भरेंगे। पेट्रोल मैं भरूंगा, पेट्रोल आप भरेंगे, मेंटेनेंस आप भरेंगे। तुमने चलानी थी मैं भरूंगा। वेयर इज द पॉइंट यार? सही भाई, दोनों इसकी गाड़ी है मेरी, ये 6 महीने के लिए ले लेती हूं मैं। कह रहा हूं दोनों तुम्हारी मेरी है। लाइट ऑन कर ना, ब्रांड के पड़े बड़ी बहन। क्या बात है, बताओ भाई ले लें कि नहीं? सेम टू सेम ईट्रॉन जीटी वाला सिस्टम है, बस थोड़ा पोर्शा है ठीक है, उसके बाद अपना चीजें कुछ चेंज है, बाकी सेम सेम है। नहीं अभी तो बस ऐसे ही मैं देख रहा हूँ गाड़ी, लेकिन इट्स वेरी नाइस फील में तो बड़ी बात है। मिल के ले लो, पता है कभी तू चला ले, कभी मैचेस सही ये कर ले यार, पैसे भी बच जाएंगे। मंडेज टू फ्राइडेज मेरी, वीकेंड पे तू ले जा। बस ठीक है डन। ले ले वो कब कब सारी है, वो इजी हो गई है। कैसी लगी ईट्रॉन जीटी के मुकाबले में? ईट्रॉन जीटी के मुकाबले में वैसे बाय लुक, ओ बाय लुक आई प्रेफर ईट्रॉन। अच्छा पीछे से और आगे से? अब ये थोड़ी सिंपल सिंपल सी है। हाँ लेकिन नहीं पीछे से आई थिंक मुझे नहीं समझ आ रही आगे पीछे किसका अच्छा है, लेकिन ये वैसे दोनों की जो चेसी है ना वो सेम है, दोनों अंडरनीथ एक ही गाड़ी है। हाँ। बट Porsche की ट्यूनिंग और Audi की ट्यूनिंग और अपनी परफॉर्मेंस में वो फ़र्क है मेजर।
बाहर के बच्चे हैं। अच्छा वो सारे फैंस आ गए हैं, आप जाएंगे तो मेरे से पागल हो जाएंगे बच्चे। आपके इंतजार में खड़े हैं वो। कितने पकड़ा गए? कितने हैं लोग? उनके घर के बाहर ये पट के लिए है किधर है? ऐसे तुमने मेरे प्रैंक का मजाक उड़ा दिया। भाई जान मेरे लखड़ दादे की गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई है। दादा पर दादा और उसका जो दादा मूड। ये तो बिल्कुल जो माई न्यू कार के अंदर मैंने गाड़ी रिव्यू की थी उस तरह की है। वैसे कंफर्टेबल थी बैठ के, आगे ड्राइव तो करो, पीछे से बड़ी कंफर्टेबल है। उसकी चाबी मेरे बैग में होती है। कंफर्टेबल है भाई, ये चाबी नहीं है, ये किक स्टार्ट करिए, स्टार्ट हो जाए। चौक चौक वो बिस्ती करा रही हो जा। जान आ रही है, जान आ रही है, ऐसा ऐसा है। ये महीने बाद स्टार्ट हुई है भाई जान, मेरा तो इसमें दिल आ गया भाई, को पोर्ट के वो से मेरा तो इसमें दिल आ गया भैया। थैंक्स पे अंदर से प्यार भी हुई। जी वैगन की आवाज आती है ना, इसकी आवाज सुनी आपने? जुने हमारे जी वैगन भी हुए थे पुरानी स्कूल की। वो बेचारी एडवांस है ना, रिच हुई। यानी कुलती कहाँ से है मान साहब? सुनील भाई ये वीडियो में नहीं बोलना था। नहीं नहीं खुलती है, बाली को हटे हटे बाली खोल आ रही है। बाली खोलता होता है यार, व्हील ऐसा लगा लेते हैं। क्या बाली खोल पाएगा? क्या बाली खोल पाएगा? इतना प्रेशर डाल दिया एकदम से। अच्छा बोलने के लिए भी बढ़िया फट है भाई। पाएगा जानने के लिए सीएडी की अगली किस्त देखे, बोलने के लिए ज्यादा बंदा सीएडी की अगली किस्त देखे। क्या हां ये खुल गया स्पीकर देखे अभी तक, ये एनजीके के प्लग ये वो सारा कुछ कायम है। यूपीएस पे चल रही है ये तो पूरी पूरी गाड़ी की ना। वो देखिए हमने पाइपिंग भी नहीं डाली। ये टर्बो फॉर सेल नहीं है, ये फॉर डेकोरेशन है। ये अपने प्यार इश्क और मोहब्बत से तो कभी भी नॉट फॉर सेल कॉर्नर है, कभी भी नहीं। गोल्डन वाली दे दो, ये हमर RX7 गोल्डन कॉर्नर गोल्डन, वो भी नॉट फॉर सेल है। फिर नहीं वैसे ढूंढ देता हूं, अगर मैं टैंक चाहिए, टैंक इसको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए टैंक। कुछ तो सर वो कह रहे हैं कुछ तो दे यार, कुछ तो देने के लिए यार। टैंक जो है वो लेना शुरू करेंगे ना मिनिमम में मिलेगा 40-45 लाख रुपए का, और उसमें फिर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये आप बता रहे हैं बड़ी अच्छी गाड़ी। नहीं नहीं अच्छी अच्छी कोई नहीं मिलती है। 44 की लगी हुई टोटल जनरल कलर ब्लैक टोटल जनरल 45 वाली गाड़ी। हाँ हाँ वो 92 के जी शुरू तो भाई शुरू ਸ਼ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ।
ਮੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋਈ आप कौन सी ले रहे हैं अब ये तो बताएं। बात भी कर ही रहा था, नहीं अभी देख रहा हूँ यार मैं ऑनेस्टली लाइक अब लूंगा भी तो मैं कोई ईवी ट्रक वाली साइड पे जाऊंगा। हिंट मिल गया हिंट मिल गया नहीं मैं अभी सोच रहा हूँ कि 500 नहीं नहीं बताएंगे नहीं नहीं ईवी ट्रक फुल ईवी एचईवी नहीं हाँ फुल ईवी हाँ मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद अनुभव नहीं है अभी फिर मैंने बता दिया फिर कहना इसने बोला था ये आया नहीं बट समथिंग इज कुकिंग सम ओह समथिंग इज ऑलवेज कुकिंग। रान भाई कौन सी गाड़ी ले रहे हैं आप? मैं ये सारी अपनी है नहीं नहीं कपड़ा मार के निकल गया ये क्या बात हुई यस टेस्ला मॉडल एस मुझे अब अच्छा वैसे ये पुरानी पुरानी लग रही वैसे है भी पुरानी लेकिन अब ये नई जो गाड़ियाँ आ गई उसके सामने थोड़ी पुरानी पुरानी टेस्ला ने बहुत टाइम अभी भी यही शेप आती है शेप यही आती है लाइटर डिफरेंट है और फ्रंट डिफरेंट आपकी से आपको ले फेस डिफरेंट मेरी इसके फेस डिफरेंट अच्छा वही मैं कह रहा था डिफरेंट डिफरेंट।